गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल ए ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मंथापा। आज जो है हम एक और स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, जिस स्टॉक का नाम है टेनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। टेनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड जो है ये एक आईटी स्टॉक है। अभी जो है इस स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऑल टाइम हाइप से जो है ऑलरेडी 55.6% ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। अगर आपने नोटिस करा होगा कि लास्ट टू डेज से जो है निफ्टी आईटी का जो है जो उसने बेस फॉर्मेशन जो है वो बना के ऊपर की तरफ जो है वो मूव करना चालू कर दिया है, तो आज जो है हम 10 लाख को जो है थोड़ा सा डीप ड्राइव करेंगे और इसके बारे में जो है पूरी स्टडी करेंगे कि इनका बिजनेस क्या है और ये कौन कौन से इनके की क्लाइंट्स हैं। तो टेनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड जो है ये क्लाउड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो बिजनेस टू कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। कस्टमर्स जो हैं इसके जो बेसिकली जो हैं ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं इसके वो जितनी भी जो हमारी जो वोडाफोन है, एयरटेल है, इस तरीके के कस्टमर्स हैं। इसका जो ऑफिस जो है वो हैदराबाद में है। ये ग्लोबल में जो है ये ग्लोबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। अगर आप देखो कि जो 50 जो टॉप 50 कस्टमर्स जो हैं वो जो है 50% का जो बिजनेस जो है वो इसका जनरेट करती हैं और वो 7 ईयर से कंटिन्यूसली इसके साथ में है। जो बड़े जो इसके क्लाइंट्स हैं उसमें वोडाफोन, एयरटेल, SRF, एटिस्ला, फेसबुक, लिंक्डइन, HDFC बैंक, कोटैक बैंक, एक्सिस बैंक और बहुत सारे बैंक जो है वो भी जुड़े हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन भी जुड़े हुए हैं, ट्रू कॉलर इनका जो है वो बड़ा क्लाइंट है। अगर आप देखें कि इसका जो कोर बिजनेस जो है वो इंडिया से है, 68% जो है वो इंडिया से ही कर रहा है और रेस्ट ऑफ द जो है बिजनेस जो है 32-34% के आसपास में जो है वो ग्लोबल मतलब कि आउटसाइड ऑफ इंडिया से ये बिजनेस जनरेट करता है। अब आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये जो टेनला है इसका बिजनेस जो है वो ज्यादातर जो है वो बेस्ड है, ज्योग्राफिकल बेस्ड है इंडिया का, तो आपको ये समझ आ रहा है कि इंडिया तो आने वाले टाइम में ग्रोइंग कंट्री और बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये आने वाले टाइम में जो है हमें जो है ये अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। और जितनी भी जो बड़ी कंपनी के मैं नाम ले रहा हूँ, HDFC है, कोटैक बैंक है, जितने भी जो बड़े बड़े बैंक है वो सारे के सारे बैंक जो है इसी से सर्विसेज वगैरह लेते हैं, तो डेफिनेटली जो है इसका जो फ्यूचर जो आने वाला जो फ्यूचर लग रहा है वो डेफिनेटली मुझे काफी ग्रोइंग लग रहा है। और ये अपने आप में जो है जो जिस तरीके से ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें जो है ये ऑलरेडी लीडिंग कंपनी है। करेक्ट, इसमें जो है 2022 में ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो है दो कंपनीज अलग भी जो है इन्होंने ये एक्वायर करी हुई है। तो इस तरीके से जो है अगर आप देखें तो इसमें कैरिक्स मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड है और एक गर्मोगा सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड है। इससे हमें ये पता लगता है कि कितने एग्रेसिवली जो है वो मार्केट में जा रहे हैं, ये जो है दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर बिजनेस। और इनको जो है ये नए एक्विजिशन का मतलब ये है कि दे वांट टू हैव एग्रेसिव मार्केटिंग एंड अग्रेसिव जो है वो डीप डाइव करना चाह रहे हैं ये मार्केट में, जो अग्रेसिवली जो है वो काफी जो है ये जाना चाह रहे हैं। तो हम जो है इसके बारे में जो है कंपनी के बारे में हमने जान लिया, इसके फ्यूचर के बारे में जान लिया, अब इसके जो है फाइनेंशियल के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इसका जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है दैट इज 12,507 करोड़ रुपीज। तो इसका जो है करंट वैल्यू जो है 930 रुपीज है, बुक वैल्यू 130 रुपीज है। इसका जो हाई जो लो जो इसने जो बनाया है एक साल के अंदर में वो 1318 और 493 है। अभी जो है इसका प्राइस जो है करंट प्राइस 930 के आसपास में चल रहा है, तो ये जो है काफी जो है अपने 52 वीक लो से जो है काफी रिकवर कर चुका है और अभी जो है 52 वीक हाई की तरफ में जो है ये चल रहा है और आने वाले टाइम में ये काफी जल्दी जो है उसको टच भी करेगा। स्टॉक का जो पी जो है वो 24 है, जबकि अगर हम इसका जो इंडस्ट्री पी देखा जाए तो 37 के आसपास में। इट मींस कि हमें जो है अपने इंडस्ट्री पी से ये काफी सस्ता मिल रहा है। इसका ROCE जो है वो 37.9% है विच इज एक्सलेंट एंड ROE जो है 31% के आसपास में है। इसका मतलब ये कि साल में जितना भी जो ये जो इन्वेस्टर का जो पैसा है उसमें जो है ये करीबन 38% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर, विच इज एक्सलेंट। आईटी इंडस्ट्रीज में जितना भी होता है ROCE थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है। अगर आप इसका पैग रेशियो देखें तो दिस इज वेरी वेरी फेवरेबल 0.26। अगर पैग रेशियो 1 से कम हो तो हम इसको अंडर वैल्यूड में लाते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है अगेन दिस इज वेरी वेरी फेवरेबल 0.05 जो है वो काफी कम डेट है। डेट जो है इनका काफी लिमिटेड है। अब जो है इसका जो है पीई का हम एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर ये जो पीई है, एक तो हमने इंडस्ट्री के साथ में कंपेयर करा जिसमें हमें ये पता लगा कि इंडस्ट्री से तो ये जो है काफी कम वैल्यूएशन में मिल रही है। अगर मैं इसका जो है 10 साल के लिए स्टॉक का रखना चाहता हूँ और 10 साल का अगर मेरे टाइम फ्रेम है तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसका जो मीडियम जो है वो 28.5 का पीई है, लेकिन अभी जो है ये 28 से भी काफी कम में आ चुका है
विच इज समवेयर अराउंड जो है 24 के पीई में चल रहा है ये। उसी तरीके से अगर मैं 5 ईयर्स का देखूं तो उसका मीडियन 31 है। अभी जो इसका प्राइस जो है इसके 5 ईयर मीडियन से भी कम है, 3 ईयर के मीडियन से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो कम है। अभी जो इसका जो वैल्यू है 1 ईयर के अगर मैं पीई से देखूं तो ये थोड़ा सा जो है ओवर वैल्यू जोन में चल गया है, जो कि जो है दिस इज परफेक्टली फाइन क्योंकि इसका जो अभी हम जो ग्रोथ पैटर्न वगैरह भी चेक करेंगे। लेकिन अगर मैं 6 मंथ में अगर मैं चेक करूँ तो अगेन जो है इसका जो पी जो है वो पॉजिटिव साइड में है। तो हम 6 मंथ 3 ईयर्स 5 ईयर्स में वी आर ऑन गुड सेफर साइड। 1 ईयर में जो है स्टिल आई वुड से कि वी आर ऑन अ गुड साइड ओनली, देर इज नो इशू क्योंकि जो है इसका जो पी जो है इंडस्ट्री पी से जो है काफी कम है। तो अगर ये इंडस्ट्री पी को भी मैच करता है और पी मल्टीप्लाई होता है आपका तो इट विल गिव यू अ वेरी गुड ग्रोथ। अब जो है जैसे आप कंपनीज के देख रहे हैं कौन जो है कौन सी कुछ भी नहीं है, बुक वैल्यू से ये 7.1 टाइम ट्रेड करा विच इज एब्सोल्युटली फाइन। इसके प्रोस बहुत सारे हैं जैसे कि डेट फ्री कंपनी है, कंपनी का जो है प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 92.6% के CAGR से ग्रोथ करा लास्ट 5 ईयर में। कंपनी जो है आर ओ इसका जो है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, 3 ईयर्स का अगर हम देखें तो 40% के आसपास में है। कंपनी का मीडियम सेल्स ग्रोथ जो है 34.2% से लास्ट 10 ईयर से ग्रो करा है, दैट इज ऑन एक्सट्रीमली गुड साइड। अब जो है अगर मैं इसी फील्ड में मैं बात करूंगी इस फील्ड में कौन कौन सी कंपनी है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस टेनला जो इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो सोनाटा, कोफोर्ज, पीबी फिनटेक, ओरेकल, केपीआईटी और ये सारी कंपनीज हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो अभी जो है मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा जो है ये टाटा ईएलएक्सआई का है। तो टाटा ईएलएक्सआई जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है इसमें और 8वें नंबर में जो है वो टेनला है, करेक्ट। तो अभी जो है अगर मैं ये बोलूँ तो ये कितने हजार करोड़ की कंपनी है, 50,350,361। तो इसको जो है मैं एक बार जो है यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। एक हम कैलकुलेशन करेंगे कि अभी का अगर मैं एक वैल्यूएशन लगाऊं तो वैल्यूएशन जो है वो किस तरीके से है। तो इसका जो है अगर मैं लास्ट ईयर का जो है अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो वो 785 के आसपास में है, करेक्ट। और वहीं जो है अगर मैं टेनला का देखूं तो टेनला का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 12,507 है, करेक्ट। और ये जो है इसका जो अगर हम इसका ईयरली का सेल देखें करेक्ट, तो इसको हमने जो है यहां से उठा लिया, ठीक है। तो जो है इसको जो है ये जो है ये हमने टेंडा का लिया है और ये जो हमने टाटा ई एल एक्स का लिया है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको जो है अगर मैं कंपेयर करूं तो ये जो है ये कितने टाइम जो है छोटी कंपनी है, इसका जो मार्केट कैपिटल मतलब कितनी सस्ती है या फिर इस तरीके से मैं कितनी सस्ती है ये इसके मुकाबले में, तो ये जो है करीबन जो है 4 टाइम्स जो है ये सस्ती कंपनी है। जस्ट अ मोमेंट, दिस डिवाइड बाय दिस, करेक्ट 4 टाइम्स। और अगर यही अगर मैं इसका सेल्स में देखूं जो इसमें प्रॉफिट जो कमाया है दिस इज 1.5 टाइम्स। तो अब आप ये देखो कि ये एक किस तरीके की सिचुएशन है जहां पर टेनला जो है ये 4 गुना सस्ती है एज कम्पेयर टू टाटा ईएलएक्सआई, लेकिन जो इसका जो प्रॉफिट है वो जो है जस्ट जो है 0.1.5 टाइम्स लेस है। इट मींस कि ये जो है इसका जो टाटा ईएलएक्स जो है इसकी जो ये 500 करोड़ का टर्नओवर कर रही है और ये जो है इसका जो कंपनी का जो साइज है जो 12,500 करोड़ का है, और जबकि इसकी जो कंपनी का जो साइज है ये 50 करोड़ की है और ये जो प्रॉफिट जो कर रही है वो 787 कर रही है। आइडली अगर जो है इसको देखा जाए तो ये कितने की होनी चाहिए थी, अगर ये इसके 4 गुना बड़ी है अगर मैं इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखो सेम कैपिटल आ गया और इसी के हिसाब से जो है फिर प्रॉफिट भी जो है इसके हिसाब से होना चाहिए था, इसका मतलब 2000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, बट इसका जो प्रॉफिट जो है 514 का है और ये जो है ये 785 ना होने के ना होकर जो है 2072 का प्रॉफिट होना चाहिए था। ये हमें ये शो करता है कि जो टाटा ईएलएक्स जो है ईएलएक्सआई
और अगर मैं 10 लाख को कंपेयर करूं तो 10 लाख जो है अभी जो है काफी सस्ती मिल रही है। उसी अगर मैं कंपेयर करूं टाटा हिलेक्स जो है वो महंगी है। अगर मैं सिर्फ जो है इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन और ये जो प्रॉफिट जो अर्न करके दे रहे हैं साल में, इसको कंपेरिजन करूं तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे आप ये देख सकते हैं कि दोनों कंपनी के बीच में कितना गैप आ रहा है और आप इससे जज कर सकते हो कि आपको ये जो है ये लेना है कि नहीं लेना है। करेक्ट, तो जो है ये हमने देख लिया। अब जो है हम इसके जो है क्वार्टरली रिजल्ट में एक बार जो है वो देख लेते हैं। अब इसका जो सितंबर का रिजल्ट अगर हम कंपेयर करें तो सितंबर 2020 में जो है 583 था, उसके बाद में 842 का आया है, फिर 851 सीआर का सेल आया है और अभी जो है 1000, मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट जो है सितंबर में सबसे अच्छे रिजल्ट आए हैं इसके। और सेम जो है अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 81 से जो है वो बढ़ के 136 हुआ है, 136 से बढ़ के 110 हुआ है और 110 से बढ़ के जो है अभी 143 के आसपास में है, तो विच इज ऑन अगेन ऑन वेरी पॉजिटिव साइड। ईपीएस जो अगर आप इसका देखें तो 6 रुपए से बढ़ के जो है वो 10.60 रुपए के आसपास में मिला, 11 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ काफी अच्छा है। अगर आप देखें तो 2020 से 2023 मीन्स 21, 22, 23 मीन्स 3 ईयर्स में जो है इसका जो प्रॉफिट जो था वो 6 रुपए से जो है वो सीधा 10 रुपए के आसपास ऑलमोस्ट जो है वो 80% का ग्रो कर चुका है। करेक्ट, और इसमें जो है आप जो है अगर इसको ईयरली अगर हम देखें तो इसका लास्ट 5 साल का ये हम ट्रैक कर लेते हैं, तो 1004 सेल, फिर उसके बाद में 1943 की सेल, उसके बाद में 2300 की सेल, उसके बाद 3200 की सेल, उसके बाद में 3300 की सेल और इस बार जो है लास्ट अगर मैं 12 मंथ की सेल देखूँ 3600 की सेल। तो सेल जो है आप देख रहे हो कि इसका कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, काफी अच्छा ग्रोथ है। और उसी में जो है अगर मैं नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूँ तो नेट प्रॉफिट जो है 30 करोड़ का, उसके बाद में बीच में जो है ये नेगेटिव सेल रही है, उसके बाद में 356 का, फिर 539 का, 448 का और अभी जो है वो हाईएस्ट एवर जो है वो नेट प्रॉफिट है 515 करोड़ का। तो इसका जो प्रॉफिट जो है वो भी काफी ग्रोइंग कर रहा है, इसका जो सेल्स जो है वो काफी ग्रोइंग कर रहा है। इस ईयर में जो है 2020 में जो है इसका जो है नेगेटिव रिटर्न आया, जबकि सेल्स इन्होंने अच्छी करी थी, बट इनके जो है एक्सपेंसेस वगैरह जो है एक तो जो है ये स्क्वीज ये बढ़ गए हैं, इससे जो है इनका जो ऑपरेशन मार्जिन जो है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो स्क्वीज हो गया। जनरली ये 18, 19, 22 के आसपास में है, यहाँ पे जो है 9, 10 और 8% के में है। तो ये जो है ये भी देख रहे हो कि आपका जो इसका जो ऑपरेशन मार्जिन जो है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। 8 से 10 हुआ है, 10 से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन उसके बाद में देखिए आप 19, 22, 18, 19 तो 18, 19 के आसपास का जो है इसका ग्रोथ जो है वो आपका सिर्फ मार्जिन मार्जिन में जो है ये ग्रोथ लेना है। इस साल में देखिए नेगेटिव आने का ये भी रीजन है कि इनकी जो अदर इनकम जो है जनरली जो 5 करोड़ 11 करोड़ जो रुपए आती थी वो नेगेटिव में आई हुई है। करेक्ट, और ये जो है इन्होंने इंटरेस्ट पे करा है, ये इन्होंने डेप्रिसिएशन पे करा है, अब ये डेप्रिसिएशन जो है सॉरी पे नहीं करा, इनका जो है डेप्रिसिएशन जो है ये इतना था इस टाइम में, अभी जो है इनकी डेप्रिसिएशन भी कम हो रही है, तो प्रॉफिट जो है डेफिनेटली इसमें नेगेटिव रहेगा। बट आज अगर आप देखें जिस इस टाइम में अगर मैं कंपेयर करूं तो दैट इज ऑन अ वेरी पॉजिटिव साइड। इसका जो है नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है वो दोनों एक अच्छे लेवल के साथ में ग्रो कर रहा है। जो इसका अर्निंग पर शेयर जो है 2012 में -15 होता था वही जो है आज के टाइम में 38 रुपीज के आसपास में आ गया अर्निंग शेयर, विच इज अगेन ऑन वेरी वेरी पॉजिटिव साइड। अगर इसका जो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें 10 साल का तो 40% से ग्रोथ हुआ है। अगर इसका जो है दिस इज टिपिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल्स ग्रोथ, तो 40% के 5 साल का अगर देखें हम एवरेज तो 33%, 3 ईयर्स का एवरेज देखें तो 20%, लास्ट जो ईयर का जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है 7% के आसपास में, बट डेफिनेटली ग्रोथ यहाँ पे है। कंपाउंडेड प्रॉफिट जो है अगर वो देखा जाए तो 18% से 10 साल में बढ़ा है, 93% से जो है वो 5 साल में बढ़ा है, 67% से जो है लास्ट 3 ईयर्स में बढ़ा है और लास्ट जो है एक साल में जो है वो 1% से ग्रो करा हुआ है। तो CAGR जो है जो आप जो शेयर परचेस करते हैं और उसको जो सेल करते हैं अगर उसका जो है अगर आप देखें कि कितना ग्रो करा हुआ है, क्योंकि आप देखोगे कि सेल्स से जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है। करेक्ट, यहाँ पे जो है 18% से बढ़ा है, यहाँ पे 75% से बढ़ा है, यहाँ पे 40% से बढ़ा है, यहाँ पे 75% से बढ़ा है, यहाँ पे 33% से बढ़ा है, यहाँ पे 97% से बढ़ा है, तो इसमें जो है ये डिफरेंस रहता ही रहता है। बट आइडियली देखा जाए तो अगर एक कम लेमन लैंग्वेज में बोले तो ये सेम होना चाहिए, बट ये सेम नहीं होता है कभी भी। करेक्ट, तो अभी जो है एक साल से अगर इसका मैं प्राइस देखो तो 24% के हिसाब से CAGR के हिसाब से इसका रिटर्न आया है।
और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर चेक करूँ तो 10 ईयर्स में 16, 25, 40 और 31%, तो ये जो है काफी अच्छा, जो है आरओआई जो है काफी अच्छा जनरेट कर रहे हैं ये, नो डाउट। अब जो है इनकी एक बार जो है बैलेंस शीट देख लेते हैं। इक्विटी जो है इन्होंने डाइल्यूट नहीं करी है। रिजर्व देखिए, रिजर्व जो है इनका डेफिनेटली बढ़ रहा है। 880 से स्टार्ट कर रहा था, 1340, 1504 और अभी 1734 करोड़ का जो है रिजर्व है। बोरिंग देखिए, बीच में इनकी बोरिंग काफी कम थी, अभी जो इन्होंने थोड़ी सी बोरिंग जो है वो बढ़ाई है 54, 83 और 79% के आसपास में। बट स्टिल जो है अगर आप ये देखेंगे कि बोरिंग जो इनकी काफी कम है, बोरिंग रेशियो जो है काफी काफी कम है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। करेक्ट। अदर लाइबिलिटीज जो है ये इनकी जो है 1056 के आसपास में है। फिक्स असेट्स और ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। CWIP जो है, जो इन्होंने अब ये जो इनका अपकमिंग जो B2B में जो बिजनेस चल रहा है, जो आगे जाके जो है वो स्टार्ट होगा, अभी जो है इसमें ये इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 64 के आसपास है। बल्कि यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ आई थिंक कुछ नया स्टार्ट करा होगा और वहाँ पे जो है ये जो है ये एग्जीक्यूट हो चुका है ऑलरेडी। करेक्ट। तो ये जो है 499 से आप देखिए 51 से जो है ये जो है सीधा 466 का होगा। तो इसमें से जो कुछ जो CWIP जो था, कुछ जो बिटवीन में जो इनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे वो कंप्लीट होंगे और अब जो है फिक्स एसेट में दिखाने चालू हो गया। 24 का जो है वो कन्वर्ट ना हुआ, तो अब जो है ये इसी तरीके से जो है ये 64 के आसपास में कुछ जो है इनके करंट जो है कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं जो आने वाले टाइम में कम्प्लीट हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन्होंने बहुत ज्यादा करी नहीं है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं कि अच्छा है, 239 है, 561, 486 और 247। थोड़ा सा इसमें जो रिड्यूस हुआ है बट स्टिल इट इज ऑन गुड साइड, नो इश्यूज। डेटर डेज अगर हम देखें तो जहाँ पे जो है 304 दिन में इंटरेस्ट में पैसा आता था वो ऑलमोस्ट जो है वो घट के जो है 62 डेज हो गया। इट मींस दे हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। जब नई कंपनी होती है तो तब ज्यादा जो है डेट्स वगैरह देने पड़ते हैं, डेट में देना पड़ता है। बट जब कंपनी जो है ग्रोइंग स्टेज में होती है, जब ग्रो कर जाती है, तो तब उसके डेटर डेज भी काफी कम हो जाते हैं। करेक्ट। ROC जैसे मैंने बताया था कि माइनस में 22% के साथ में जो है ये काफी बढ़ते बढ़ते जो है अभी 38% में आ गई है। लास्ट ईयर जो 59% था उससे 52% था, तो इसकी जो ग्रोथ जो है इन द टर्म ऑफ ROC इज एक्सट्रीमली गुड। अगर मैं अब इसकी होल्डिंग की बात करूँ तो प्रमोटर ने जो होल्डिंग जो है 0.01% जो है इसने डिक्रीज करी हुई है एज कम्पेयर टू जुलाई। और ये जो है ये बाई किसने करा है, अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है 14.56% से जो है 15.15%। मीन FII ने जो है अग्रेसिवली इसमें पोजीशन बिल्डअप करी है। सीधा जो है इसने जो है 15% के 0.5% के आसपास का इन्होंने जो है वो इंक्रीज करा हुआ है। DII ने भी अगर आप देखें तो 0.5% के आसपास में करीबन करीबन इन्होंने भी इंक्रीज करा हुआ है। पब्लिक ने जो है जिनके पास में 14.4089 था, उन्होंने जो है 39.9 इन्होंने जो है डिक्रीज करी हुई पोजीशन, विच इज ऑन अगेन पॉजिटिव साइड फॉर अस। तो अब जो है कंपनी जो है आपको जो है ये किस वैल्यूएशन पे मिल रही है ये हमने स्टडीज कर ली। स्टॉक PE जो है ये हमने देख लिया, अपने आप से भी जो है ये काफी अच्छे लेवल पे है। 3 साल 5 साल के अगर मैं एवरेज में देखूँ और अगर 1 साल में देखूँ तो थोड़ा सा जो है हम इसके ऊपर बाय करेंगे। और अगर यही जो इंडस्ट्री PE के साथ में कंपेयर करूं तो इंडस्ट्री PE के साथ में काफी अच्छे लेवल पर ये आपको मिल रहा है 24.3 के PE में, जबकि जो इसका जो ग्रोथ जो है काफी अच्छा ग्रोथ ये दिखाते आ रहे हैं। जीरो डेट कंपनी है, कोई भी डेट लेने नहीं ले रखा हुआ है। इनका पैग रेशियो काफी अट्रैक्टिव पैग रेशियो है, आपको काफी अच्छे प्राइस में मिल रहा है क्योंकि ये जो है ऑलरेडी 55% जो है ये आपको डाउन मिल रहा है फ्रॉम ऑल टाइम हाई। अब ये जो है ये इतना नीचे क्यों मिल रहा है, द ओनली रीजन इज बिकॉज क्योंकि जो निफ्टी IT जो था वो सारे के सारे स्टॉक जो हम गिर रहे थे, जिसमें कि TCS, इंफोसिस जैसे जो बड़े शेयर हैं वो भी जो है गिर रहे थे, जबकि उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी हाई है। तो डेफिनेटली जो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है एज कम्पेयर टू TCS और इंफोसिस, तो उसमें डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा गिरावट आएगी। तो अब जो है अब हमने देख लिया कि कंपनी का जो है बिजनेस ग्रोथ जो है वो आगे अच्छा दिख रहा है हमें। कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो काफी इंटैक्ट हैं, हमें जो है आने वाले टाइम में जो है इसमें ये प्रॉमिसिंग लग रहे हैं कि आगे जो है ये अच्छा ग्रोथ दिखाएंगे। तो अब जो है हम इसके बारे में जो है इसका एक बार टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। अब इस टेक्निकल एनालिसिस को मैं जो है अगर एक मंथ के चार्ट में अगर मैं देखूं तो एक मंथ के चार्ट में जो है अगर आप देखें तो ये जो है इसने जो ऑल टाइम जो हाई बनाया था वो इसने बनाया था 2022 में। तो 2022-2024 आज जो है हम 2 साल हमें हो गए हैं ऑलरेडी, तो 2 साल में जो है ये देखिए कितना जो है ये ऑलरेडी जो है ये नीचे गिर चुका है।
अब ये जो है, ये जब भी कोई भी स्टॉक जब नीचे गिरता है तो हम जो है बिल्कुल जो है डाउन पर बाय नहीं करते हैं, डाउन से जो है जब ये अपर मूवमेंट चालू कर दे, अगर हम देखें तो इसने कितने का इसने जो है डाउन मूवमेंट दिया था, तो 76% जो है ऑलरेडी जो है ये स्टॉक पहले डाउन में गया था। अब जो है यहाँ से जो है ये ऊपर की तरफ में आ गया, ऊपर के जाने के बाद में जो है अभी छोटा सा जो है ये कंसोलिडेशन जोन में जो है ये आया हुआ है। अगर मैं इसको जो है थोड़ा सा जो है वीकली चार्ट में अगर मैं आपको लेके चलूं, तो आप ये देखिए जो है ये देखिए कितना बड़ा जो है इसने ये कंसोलिडेशन करा हुआ है। ये देखिए यहाँ से अगर मैं बोलूँ, ये जो है इसका कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद में इसने जो है ये एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद में ये जो है ये इसका एक लेवल है जहाँ पे इसको थोड़ा सा टफ टाइम था इसको क्रॉस करने के लिए, इसने जो है काफी टाइम लिया, 1, 2, 3, 4 ऑलमोस्ट जो है 4-5 वीक्स लिए, उसके बाद में जो है इसने ये यहाँ से क्रॉस करा हुआ है। लेकिन ये जो है ये क्रॉस जो है ये जो लाइन जो थी ये क्रॉस करने के बाद में जो है ये सस्टेन करा है, सस्टेन के बाद में एक और कैंडल बनी है वीकली, उसके बाद में ये डाउन आया, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन और हेल्दी करेक्शन फॉर अस, क्योंकि इसने जो है ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हो गया, कन्फर्मेशन के बाद में जो है ये लगातार जो है अपना कैंडल बना रही है, करेक्ट। उसके बाद में अगर मैं इसको वन डे के चार्ट में देखूं, तो वन डे के चार्ट में अगर मैं देखूं तो आप देखिए कितना सुंदर जो है कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। ये जो है यहाँ से जो है इसने एक जो रिट्रेसमेंट जो चालू करी थी, यहाँ से जो है ये इसका जो है ये इसकी कप की बॉडी बन गई, और ये जो है ये इसका छोटा सा हैंडल बन गया। हैंडल बनने के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया, कंफर्मेशन दिया, कंफर्मेशन देने के बाद में फिर से जो है ये हमें अपने लोअर लेवल में जहाँ जो कि इसका जो है हैंडल के आसपास में जो है ये हमें मिल रही है। तो इसका जो टारगेट जो है, इसका जो बेस का टारगेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है इसका टारगेट रहता है, तो ये मैंने आपके लिए ऊपर होल्ड करके रखा हुआ है। अगर मैं इसका टारगेट देखूं तो 53.25% का टारगेट जो है वो यहाँ से बनता था, लेकिन अभी जो है मार्केट ऑलरेडी जो है कुछ करेक्शन कर चुका है, तो यहाँ से यहाँ पे हमें ये मिल रहा है स्टॉक, यहाँ से अगर मैं इसका कंपेयर करूँ तो 73% का जो है अप मूव नजर आता है। अब ये जो है 73% का जो अप मूव जो हमें नजर आ रहा है, ये जो है एक तो हम उस कंपनी में डाल रहे हैं जिसका जो है मार्केट लीडर है, जो अपने आप में नॉट इन द आईटी सेक्टर बट जो ये काम करते हैं, जो जिनके साथ में बैंक के साथ में जो इनको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसमें ये मार्केट लीडर हैं। इनका जो ग्रोथ है वो जो है काफी होगा, क्योंकि ये जो है इंडियन बेस्ड बिजनेस है, ऐसा आईटी बेस्ड नहीं है टीसीएस इंफोसिस जैसा कि इनके जो 70% जो मार्केट शेयर जो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो यूएस से आता है, इस तरीके से नहीं है। इनका जो मार्केट का जो इनका जो ट्रांजैक्शन जो है वो इंडियन कंपनी से लिंक्ड है, और इंडियन कंपनी आपको पता है कि आने वाले टाइम में ग्रोइंग करेंगी जो है। अभी जो है हम ग्रोइंग कंट्री में है, अभी डेवलपिंग कंट्री, अभी हम डेवलप नहीं हुए हैं, अभी उस डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली जो है इसको ये एडवांटेज मिलेगा। अब देखिए जो है इसमें जो है यहाँ से जो है ये जो चैनल जो बनाया था, ये जो है यहाँ पे उस चैनल से नीचे आया हुआ है 73% का, इसमें जो है आपको जो है 73% का जो है पोटेंशियल जो है इसमें है। तो अब हमने जो है ये हमने एक चार्ट डिस्कस कर लिया, हमने जो है इसके फाइनेंशियल्स डिस्कस कर लिए, तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो है ये जो है आप ये स्टडी करिए कि ये किस तरीके से मैंने स्टडी करी हुई, आप इसको देखिए, आप इसको समझिए, और आप ये देखिए कि इसमें जो है आपको पर्सनल इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये प्योरली जो है दिस इज फॉर एजुकेशन पर्पस। इसमें जो मेरा जो मोटिव जो है किसी को टिप देना नहीं है, या किसी का बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये मुझे जो है ये अच्छा स्टॉक लगा, अच्छे लेवल पर हमें मिल रहा है, अच्छे इसके फाइनेंशियल्स हैं, बिजनेस इनका इंटैक्ट है, तो मुझे जो है ये लगा कि आपको जो है ये आपके साथ में मुझे शेयर करना चाहिए इस कंपनी के बारे में। तो आगे ही इसी तरीके से जो है मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको मेरे जो एफर्ट्स जो है वो अगर पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और इसी तरीके से जो है नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट स्टॉक के साथ में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।